दोस्तों नमस्कार, मैं हूं धीरेन्द्र सिंह अयोध्या से और आप सभी का स्वागत कर रहा हूं आपके अपने YouTube चैनल टू लवर्स में। और दोस्तों आज मैं आया हूं मौर्या मिष्ठान भंडार में। यहां की दही जलेबी बहुत फेमस है, काफ़ी टेस्टी है और काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं। दूर दूर से आते हैं लोग यहाँ पर इसको खाने। आज हम मैं वहीं जाने वाला हूँ और वहाँ का स्वाद लेने वाला हूँ, मौर्या मिष्ठान भंडार का दही जलेबी का। तो आइए बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। ऐसे ही उठाओ दोनों हाथ। तो दोस्तों हमारा जो ये दही जलेबी है मैं लेके आ चुका हूँ। अब वहाँ पर आप देख रहे होंगे वहाँ पर भीड़ काफ़ी ज़्यादा लगी थी, जगह भी नहीं थी खड़ा होने की, तो इसीलिए मैं रोड क्रॉस करके यहाँ पर आ गया हूँ और अपनी दही जलेबी का स्वाद लेने के लिए। और इसमें दही जलेबी में दोस्तों पहले तो ये दही जलेबी की एक लेयर डालते ही हैं और उसके बाद उसके ऊपर जलेबी डालते हैं, उसको क्रश करते हैं, फिर उसके ऊपर से दही और डाली जाती है, फिर उसके बाद ही ये सर्व की जाती है। और ये जो सर्व है करते हैं ये कुल्हड़ में करते हैं। और अब खा के देखते हैं इसका स्वाद कैसा है। दोस्तों स्वाद इसका काफ़ी अच्छा है और जो दही है उसमें खटास बिल्कुल भी नहीं है, मीठी दही है और इसमें कुछ लगता है मलाई भी हल्की सी डली होती है, शायद इसी के कारण जो ये दही जलेबी का जो कॉम्बिनेशन है काफ़ी स्वादिष्ट रहता है और इसीलिए लोग भी आते भी हैं यहाँ पर दूर दूर से इसे खाने के लिए। दोस्तों ये दही जलेबी का एक कुल्हड़ आपको जो पर सर्विंग है ये आपको 25 रुपये की मिलेगी, 25 रुपये पर कुल्हड़ का इसका रेट है यहाँ पर। इसके अलावा इस दुकान पर आपको खस्ता कचौड़ी, समोसा और इमरती इस तरह के और भी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं, रबड़ी, इस तरह के और भी कई पकवान हैं जो कि ये रखते हैं, लेकिन यहाँ पर मेनली जो मशहूर है वो यहाँ की दही जलेबी ही है और जिसको खाने के लोग आते भी बहुत हैं। उस लायक है भी, स्वाद भी इसका काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों दही जलेबी तो हमने एंजॉय कर लिया पूरी तरह से। और ये जो मौर्या मिष्ठान भंडार है दोस्तों ये हनुमानगढ़ी जो ये मंदिर है वहाँ से थोड़ी ही दूरी पर जब राम की पैड़ी की ओर हम लोग जलेंगे आगे बढ़ेंगे वहाँ पर ही स्थित है। और अब हम लोग जा रहे हैं वापस यहाँ हनुमानगढ़ी की तरफ थोड़ा बढ़ेंगे। तो मैंने अभी आते समय रास्ते में देखा था चंद्रा का खुरचंद पेड़ा। तो दोस्तों ये खुरचंद पेड़ा थोड़ा नाम थोड़ा अलग सा था इसीलिए मेरी थोड़ा सा मेरा जो क्यूरियोसिटी है थोड़ी बढ़ी है। जाके देखते हैं, मिलते हैं वहाँ पर चंद्रा मिष्ठान भंडार पे और देखते हैं कि ये खुरचंद पेड़ा है आखिर क्या और इसका स्वाद कैसा है। दोस्तों ये हमारा खुरचंद पेड़ा। भैया इसके क्या बनाने का प्रोसेस अलग होता है कि ऐसा कि नॉर्मल जो पेड़े होते वैसा ही होता है? नहीं, इसके नॉर्मल पेड़े ये नहीं है। अच्छा, धीमे आस्तीन रुझाई होती है। अच्छा, हाँ, तो जो नॉर्मल पेड़े होते वो भी तो ऐसे ही बनते हैं ना? नहीं, ये बहुत धीमे, इसकी सबसे बड़ी बात ये जो खोया जो यूज होता है दूध, हाँ, ये धीरे धीरे पकाया जाता है, जितनी अच्छे पकाया जाएगा उतना इसको बुझाकर साइड में कर खुरचंद तैयार किया जाएगा उसी तरीके नॉर्मल पेड़ा जाएगा। अच्छा, टेस्ट इतना नॉर्मल। अच्छा, इसका जो मतलब ये जो आप इसको पकाते हो इसका टेम्परेचर आप लोग अपने हिसाब से अपने अनुभव के हिसाब से डिसाइड करते हैं, राइट? अच्छा ठीक, थैंक यू। तो भाई ये खुरचंद पेड़ा है यहाँ का
और जो छूने से तो बहुत साफ है। इसमें काजू की जो है स्टफिंग भी है, इसको एक काजू इसके बीच में लगाया गया है नॉर्मल, इसे डेकोरेट करने के लिए, इसकी गार्निशिंग के लिए लगाया गया है। अब इसका स्वाद लेते हैं हम लोग। बहुत ही फ्रेश और मुलायम है, स्वाद में काफ़ी अच्छा है। जो नॉर्मल पेड़ा होता है गाइस उससे तो थोड़ा अलग ही है और स्वाद अच्छा ही है, डिफरेंट। एक मैं अपने कैमरामैन को दूंगा ताकि वो भी एंजॉय कर सके इसको, ले लो। तो दोस्तों ये था जो चंद्रा स्वीट्स, दोस्तों यहाँ पर जो स्पेशलिटी थी इनकी खुरचन पेड़ा, और ये खुरचन पेड़ा सच में काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट था और इसका जो टेस्ट था दोस्तों वो एकदम अलग था। खाने में थोड़ा दरदरा था लेकिन स्वाद ही उतना ही गजब था। और दोस्तों इन्हीं जो चंद्रा है, इनके चंद्रा जो अलोका पूरा परिवार ही इन्हीं सब में लगा हुआ है, इनका सारा बिजनेस इसी से रिलेटेड है, खाने पीने से ही और लॉजिंग से। इन्हीं का स्वीट्स है, दो स्वीट्स हैं, स्वीट्स की दुकानें हैं, और इसके साथ साथ इनका भोजनालय भी है, दो भोजनालय हैं, और साथ ही साथ इनका राम श्याम नाम के नाम से इनका एक लॉजिंग भी है जहाँ पर लॉजिंग फैसिलिटी है, वो एक गेस्ट हाउस भी है। तो यहाँ काफ़ी अच्छा काम है इनका। और इन्होंने भाई साहब ने बताया कि रामनवमी इस बार काफ़ी ज़्यादा धूमधाम से मनाई जाएगी, तो रामनवमी के दिन आप आइएगा, यहाँ पर लस्सी बहुत बढ़िया बनाई जाती है और उसका भी आप एंजॉय करिएगा। तो ये आप मैं रामनवमी को बिल्कुल आऊँगा यहाँ पर अयोध्या में, और इस जो लस्सी है यहाँ की जो स्पेशलिटी है उसका स्वाद ज़रूर लूँगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा इसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। और दोस्तों मिलता हूँ मैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।